हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में टीवी देखना चाहते हैं, आपके पास सेट टॉप बॉक्स है, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें आप चाहते हैं कि आप अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करके टीवी देखना, तो मैं आपको आज लाइव करके दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों मैंने एक इजियर कैप डिवाइस मंगाया फ्लिपकार्ट से, उसके थ्रू करके दिखाऊंगा। अगर आप मोबाइल में भी यूज करना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। सेटअप बॉक्स से आप लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में किस तरीके से कनेक्ट करके टीवी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पार्सल और मैंने इसे भी कट कर दिया है और आपको पहले दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। तो आप देख सकते हैं, एक है USB केबल, उसके अलावा इस तरीके का इजियर कैप है। इस डिवाइस के थ्रू आप लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करके आप टीवी देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक एक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी चीज़ें काम करती है। तो पहले ये फ्रेंड्स है, इसको कहते हैं इजी कैप डोंगल है। इसमें आपको तीन केबलें लगी हुई हैं, एक वीडियो, दो ऑडियो के लिए, अगर आप PCI वगैरह उसमें कनेक्ट करने के लिए केबल होता है। और ये आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, अगर आपका डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू आप देख सकते हैं आपके सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करके। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर का CD रहता है, इसके थ्रू आप, मैं अपने लैपटॉप में अभी इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ, या मैंने ऑलरेडी मेरे पे पहले से भी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है इंस्टॉल, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। अब जैसे ही इंस्टॉल कर रखा हूँ, मैं ओपन करता हूँ इसे डायरेक्टली। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा आपका। अगर कैमरा ऑन होगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इस डोंगल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी इसे कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख लीजिए इसे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलने लगेगी। उसके बाद आपका ये है केबल, इस केबल में आपके सेटअप बॉक्स से केबल कनेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, उसके बाद आप देख सकते हैं। अभी मैं अपने सेटअप बॉक्स से केबल कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेटअप बॉक्स है और यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से RCA केबल कनेक्ट कर दिया है और इस केबल को लेकर आऊँगा और यहाँ पे इससे ज्वाइंट करूँगा। तो इसे ऐड करने के बाद इसे यहाँ पे लगाना है। ऐसे वीडियो में वीडियो केबल लगाइए, रेड में रेड एंड वाइट में वाइट, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। और ये कनेक्टिविटी सीधा आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच कनेक्ट है। ऐसे कनेक्ट होने के बाद आपको सीधा इस सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद, अभी मेरे लैपटॉप का कैमरा ऑन है, इसे मैं कर देता हूँ AV2 USB 2.0, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेसेस आ जाएंगे और यहाँ पे आपको करना है AV2 USB 2.0, जिससे आपको ऑडियो भी आ जाएगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपका स्टार्ट हो चुका है। आप चैनल चेंज करो, जो भी करना है आप चैनल चेंज करिए, सारा कुछ होगा यहाँ पे। गाइड वाइड मैं ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको लाइव यहाँ से करके दिखाता हूँ, जो मैं चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो भी मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ अपने सेटअप बॉक्स पे, सारे चैनल्स वगैरह अपने लैपटॉप में भी आप देख लीजिए और वहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सारा कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा। जो चैनल लगाएंगे आप लगा लीजिए। अभी मैंने ऑडियो म्यूट कर रखा था, ऑडियो मैं अभी प्ले कर देता हूँ, देख सकते हैं ऑडियो भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इस डिवाइस के थ्रू सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। और इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो अप्रोक्सिमेट 500 रुपीज़ का डिवाइस मैंने परचेज करा है फ्लिपकार्ट से। और बॉक्स मेरा देख सकते हैं वहाँ कनेक्टेड है, टीवी यहाँ है और मैं इस रिमोट से अगर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, चैनल चेंज करता हूँ, देखिए चैनल चेंज हो रहा है। लेकिन ये रिमोट जो है आपका सेटअप बॉक्स की तरफ चलाना है, लैपटॉप की तरफ नहीं। और ये सारे चेंजेस वगैरह होंगे, अगर आप ऑडियो बढ़ाना है ऑडियो लीजिए, सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों में कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो मोबाइल में चलाने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसमें अगर आपका मोबाइल, अगर आप देख सकते हैं मोबाइल का जो जैक है, ये देख लीजिए,
यहाँ पे जिस पिन का है उस पिन टू यूएसबी होना चाहिए इस तरीके का। ये देख लीजिए, एक तरफ ये फीमेल और एक तरफ मोबाइल में कनेक्ट होने वाली पोर्ट होनी चाहिए, और मोबाइल में भी इजी कैप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा इजी कैप की मदद से मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके टीवी देख सकते हैं, और साथ ही मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।